मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम है महेश परावत। यह है देशभर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। आज 24 मई हो चुकी है और हमने देखा कि कल जो मौसमी गतिविधियां थी वो बहुत अच्छी हुई उत्तर प्रदेश में, दिल्ली NCR के साथ साथ बाकी इलाकों में अच्छी जो वेदर एक्टिविटी देखने को मिली थी। अब क्या होगा कि आज भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ भागों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, यानी कि धूल भरी आंधी भी संभव है। और अब ये जो वेदर सिस्टम है वो धीरे धीरे आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर था, सेंट्रल पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान पर था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये आगे बढ़ जाएगा और ये जो ट्रफ रेखा है ये भी कमजोर पड़ जाएगी। तो जो मौसमी गतिविधियां हैं वो 25 तारीख से लगभग समाप्त हो जाएंगी इस इलाके में, लेकिन क्योंकि नमी बनी हुई है, तापमान एकदम तेजी से नहीं बढ़ेंगे तो हीट वेव से अभी निजात मिली रहेगी। बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगले दो दिनों के दौरान बढ़ने वाले नहीं है, लेकिन अब प्री मानसून गतिविधियां जब शुरू हो जाती हैं, मॉइस्चर आ जाता है एटमोसफियर में, तो क्या होता है कि जब भी तापमान बढ़ते हैं तो बादल बन जाते हैं और एक दो स्थानों पर छुटपुट बारिश या शॉर्ट स्पेल, जैसे कि 2-4-5 मिनट का जो स्पेल होता है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब क्या है कि मानसून भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमने देखा है कि समय से पहले वो सारे जो उसके स्टॉप्स हैं या जो डेस्टिनेशन है उनको कवर करता जा रहा है, यानी कि वो साउथ ईस्ट अरेबियन सी में पहुंच चुका है और बंगाल की खाड़ी के कई इलाकों को कवर कर चुका है, अंडमान निकोबार को कवर कर चुका है और बहुत जल्दी ये केरल में पहुंचेगा और श्रीलंका में पहुंचेगा, उसके बाद केरल में पहुंचेगा और केरल के साथ साथ ये उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी पहुंच जाएगा। जब उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर पहुंचेगा तो हो सकता है कि जून के शुरुआत में बारिश की गतिविधियां इस इलाके में बढ़ जाए, हालांकि समय से पहले पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद इसकी जो प्रोग्रेस है वो पूर्वी भारत पर भी समय से पहले पश्चिम बंगाल तक आ सकता है और पश्चिमी तटों पर भी इसकी जो प्रोग्रेस है वो शुरुआती दौर में काफी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन जब मानसून या तो समय से पहले दस्तक दे या लेट दे, लेकिन उसका जो आगे की प्रोग्रेस है वो और बहुत सारे कारण हैं जिस पर डिपेंड करती है कि कुछ वेदर सिस्टम अगर बनते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल में कोई वेदर सिस्टम बना, उसने पुश किया तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, अगर यहाँ पर एंटीसाइक्लोन बन जाता है तो वो रोक लेगा, तो ये सब जो वेदर एक्टिविटी होंगे या वेदर पैरामीटर्स बनेंगे उसके हिसाब से मानसून आगे बढ़ेगा। हम आपको लगातार उसकी जानकारी देते रहेंगे कि अगले कुछ दिनों के दौरान मानसून किन किन इलाकों को कवर करने वाला है। तो उत्तर भारत की बात हो गई, मानसून की बात हो गई, अब पूर्वी भारत की तरफ अगर हम चलते हैं तो आज भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी, बिहार के कई इलाकों में बारिश होगी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई भागों में बारिश और मेघ गर्जना के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उड़ीसा के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना हमें बनी हुई है। आंतरिक उड़ीसा में वेदर एक्टिविटी कम होगी, कोस्टल एरियाज में ज्यादा होंगी, ये ट्रफ रेखा जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होती हुई जा रही है। तो ये पूर्वी भारत काफी अच्छी बारिश देखेगा, लेकिन कल से बारिश की गतिविधियां ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कम हो जाएंगी। 27-28 तारीख से एक बार फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिलहाल जो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां हैं वो कम हो चुकी हैं, लाइट टू मॉडरेट रेन ही होगी, पैची रेन होगी। जो मूसलाधार बारिश हो रही थी 100 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर हो रही थी उसकी संभावना अभी फिलहाल अगले 3-4 दिनों तक नहीं है, क्योंकि देखिए ये हवाएं इस तरह से आने शुरू हुई हैं, ये इस तरह से आ रही है और यहाँ से आ रही है, यानी जो मॉइस्चर फील्ड था जो बंगाल की खाड़ी से बहुत तेजी से हवाएं आ रही थी वो थोड़ी सी कम हो गई हैं। तो यानी मॉइस्चर जब कम हो जाता है तो वेदर एक्टिविटी कम हो जाती है, इसीलिए इस इलाके में अब बारिश की संभावना धीरे धीरे कम हो गई है और काफी ज्यादा राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य भारत की तरफ चलते हैं तो जो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है, अब भी थोड़ी इलाकों में, यानी कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिले हैं इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। दक्षिणी जो इलाके हैं, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ से नीमच, रतलाम, अलीराजपुर और उज्जैन, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, देवास, सियोनी और ये जो है बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये जो इलाके, नरसिंहपुर, ये सारे इलाके
शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे बहुत ज़्यादा, इसमें कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिणी राजस्थान पूरा गर्म रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। गुजरात में अगले एक सप्ताह तक कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है, केवल सूरत, नवसारी और वलसाड़ को छोड़ करके इस इलाके में छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन एंड पैची रेन होगी, बहुत ज़्यादा खास बारिश नहीं है, लेकिन टुकड़ों में जो प्री मानसून गतिविधियाँ होती हैं, देर दोपहर शाम में बादल बनते हैं, गरजने वाले बादल बनते हैं, कुछ इलाकों में बारिश देते हैं, उस तरह की वेदर एक्टिविटी ही इस इलाके में रहने वाली है। विदर्भ और मराठवाड़ा में कल परसों से बहुत हल्की बारिश की गतिविधियाँ या बौछारें पड़ सकती हैं, लगातार बारिश नहीं होगी, वो शाम को या अर्ली नाइट में होगी, यानी कि दोपहर के लेट आफ्टरनून के बाद ही इस तरह की वेदर एक्टिविटी होती है कि जब तापमान बढ़ते हैं और गरजने वाले बादल बनते हैं तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी देते हैं। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र शुष्क रहेगा, कोकण एंड गोवा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, मुंबई और उसके आसपास मेघ गर्जना हो सकती है और दो तीन दिन के बाद यहाँ पर प्री मानसून गतिविधियाँ शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। और अब तेलंगाना और जो उत्तरी आंध्र प्रदेश है यहाँ पर भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, लाइट रेन रहेगी कुछ इलाकों में, जैसे कि श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, काकीनाड़ा, मछलीपट्टनम, ये जो इलाके हैं गन्नावरम और गुंटूर, कृष्णा, गोदावरी, इन इलाकों में लाइट रेन या एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। अंदरूनी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, रायलसीमा में जो चित्तूर, अनंतपुर, कुड़प्पा वगैरह है, इस इलाके में मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है। तेलंगाना में वेदर एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएंगी, यानी कि जो प्री मानसून गतिविधियाँ हो रही थी कम हो जाएंगी, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा। कर्नाटका के ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, कुछ इलाकों में हल्की बारिश या मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ओवरऑल जो रेन एक्टिविटी है वो साउथ इंडिया में कम हो जाएगी, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में हल्की बारिश होगी, चेन्नई और उसके आसपास के इलाके शुष्क रहेंगे, उसमें वेदर एक्टिविटी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। केरल में भी लाइट रेन हो जाएगी, लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अब केवल बादल छाए रहेंगे, कुछ इलाकों में बारिश होगी, खास करके जो उत्तरी जो द्वीप हैं इसके इसी इलाके में बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।